मुझे जाने दे। अबे यार बाहर निकल, ग्राउंड में जाने के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। बाहर आ जा मेरे दोस्त। अरे यार सत्या, तू तो एकदम तैयार। ये पढ़। ये क्या है? ये यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कायदे कानून की लिस्ट है। यहाँ का जो मेजर है ना, वो इंसान नहीं जल्लाद है। हमने तो पढ़ लिया, तू भी पढ़ ले। हैं? अबे ये तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, और वैसे भी मेरी हिंदी बहुत कमजोर है यार। ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है, और अंग्रेजी तो इनके सर के ऊपर से निकल जाती है। खैर मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। टोटल 113 कायदे कानून की लिस्ट बना रखी है उस मेजर ने, नहाने के लिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, और यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी कायदे कानून लागू कर रखे हैं उस साले ने। और कायदे कानून भी ऐसे कि इंसान लाख कोशिश कर ले कायदा टूटे टूटे। अब तू जल्दी से नहा ले वरना तुझसे उद्घाटन हो जाएगा। चल पकड़, मैं 5 मिनट में तैयार होता हूँ मेरे दोस्त। चल चल चल। क्यों भाई, क्या बात है? बात बात कुछ नहीं है मुन्ना, पहले अंदर मैं जाऊंगा। पहले अंदर तुम कैसे जाओगे? मैं पहले आया, तुम्हारा नंबर बाद में। नंबर? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? हर जगह मेरा ही नंबर पहले आता है। अबे तेरी बेवकूफ है, नादान है। मगर मेरा दोस्त है, इसे माफ कर दे यार। ये मर जाएगा यार, इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता यार। अबे ओए, सोच समझ के पंगा लिया कर। मालूम है कौन है? बड़े बाप की औलाद है। इन लोगों के घर के बाथरूम बेडरूम से बड़े हुआ करते हैं, और एक एक आदमी के लिए एक बाथरूम। इन लोगों को लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है यार, इनके तो यहीं पर नहीं। मैं सही कर रहा हूं? बिल्कुल। मगर यार करें क्या? मगर यार, अगर तुझे नहाने का इतना शौक है तो सवेरे 4 बजे उठ के क्यों नहीं नहाया? कायरों की तरह देर से उठ के जल्दी नहाना चाहता है, तेरे बाप का राज चल रहा है क्या? मैं सही कह रहा हूं ना? हाँ। फिर और फिर एक दिन तू नहीं नहाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? रोज ही तो तू नहाता है, अच्छा खासा साफ सुथरा लग रहा है। हाँ मगर इसका नहाना जरूरी है ना? मैं सही बोल रहा हूं ना? हाँ। तू टेंशन मत ले यार, तू ना यार, प्लीज यार, बाथरूम भी तुम जा, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। सही किया ना मैंने? बॉम्बे से। बॉम्बे कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है। तो फिर कहाँ है सर? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में है। कहाँ है? हिंदुस्तान में है सर। और हिंदुस्तान कहाँ पर है? हिंदुस्तान सर वो... हिंदुस्तान हमारे दिलों में है। ये बात और है कि आजकल हमारे दिल ही सोए हुए हैं, इसीलिए तो यहाँ पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, लेकिन हिंदुस्तानी कोई नहीं है। और मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी बनाना चाहता हूं। बात गौर से सुनो, मैं कोई नेता नहीं जो बकवास कर रहा हूं। मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज हीरे से ज्यादा कीमती है। हां तो मैं कह रहा था कि मैं कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी, कायदे कानून तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करता, प्लस सख्त से सख्त सजा देता हूं। इसलिए ये कोशिश करना कि तुम लोगों से भी गलती ना हो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। सो बी रेडी, आज तुम लोगों की ट्रेनिंग का पहला सबक शुरू होता है। मार्च आउट।